अच्छा अभी काम दो सेकंड के साइड में रखो। पहले कल के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली किसी को प्रपोज करना था। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे प्रपोज करूंगा। तुम सामने आ गई तो मैंने सोचा तुम्हारे पे प्रैक्टिस कर लेता, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए सॉरी। इट्स ऑल राइट, पर अब से याद रखिएगा मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ जो ये सब करूंगी आपके लिए। नहीं नहीं, लव गुरु के लिए थोड़ी ना किया हुआ ये सब। वो तो इसलिए मैंने किया क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी फैन हो, इसलिए सॉरी फॉर दैट। जो तुमने कल डेकोरेशन किया, वाह वाह वाह, थैंक यू। नॉट अ प्रॉब्लम। और आज आज डेकोरेशन, आज भी किसी को प्रपोज कर? आज एक्चुअली कल जिसे प्रपोज किया था ना, उसने हाँ बोल दिया। तो आज यही बात मुझे मीडिया को बतानी है, तो डेकोरेशन अनाउंसमेंट पार्टी के लिए। हे भगवान, एक तो पहले ही आलिया की चाल में फंसकर इन्होंने तनु को प्रपोज कर दिया, ऊपर से अब पूरी दुनिया को बताने जा रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने न्यूज देखी थी? क्या लगा तुम्हें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्या? आप मुझसे क्यों पूछ रहे? मेरा ओपिनियन क्या मैटर करता है आपको? मैटर करता है ना, तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो, मुझे पता है। कम से कम तुम तो मुझसे झूठ नहीं बोलो। तो बताओ ना, क्या लगा तुम्हें? न्यूज़पेपर की छोड़ी, अगर वो सब मेरे सामने भी होता ना, तो मैं अपनी आंखों को ब्लेम करती आपको नहीं। इतना भरोसा? जब दो लोगों के बीच एक रिश्ता जुट जाता है ना, भरोसा अपने आप बन जाता। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहां, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल पर पे हो न, दिल पर पे हो यार। चलो बहुत बातें हो गई है, तुम चलो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी काम समझाना है। चलो क्विकली लेट्स गो, चलो 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 चलो। ये क्या हो क्या रहा है? पार्टी आज शाम को है, कल को नहीं। जल्दी हाथ चलाइए और जल्दी खत्म कीजिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ताई जी, ताऊ जी, मिताली भाभी, सारा सामान इधर पड़ा हुआ है, घर के कितने डेकोरेशन बचे हुए हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? पार्टी आज शाम को है, कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा ये बात? आलिया वो सब ठीक है, लेकिन अभी तक तूने ये नहीं बताया कि ये पार्टी हो क्यों रही है। हाँ आलिया, मतलब घर में पार्टी है, इतने डेकोरेशन चल रहा है और घर वालों को पता नहीं कि पार्टी किस खुशी में। तूने सबको ये तो बता दिया कि काम क्या क्या करने, अरे पर ये तो बता कि इतनी बड़ी पार्टी किस लिए दी गई है? सरप्राइज समझ लीजिए ताई जी, और जब आप लोग जब शाम को आएंगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी पूछिए टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हीरो, टाइम इज टिकिंग एंड टाइम इज मनी। जल्दी से जल्दी सारी तैयारियां करवा दीजिएगा, जैसे ही मैं आऊं तब तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। मैं अपना काम खत्म करने जा रही हूं, प्लीज फिनिश ऑल द वर्क। एक्सक्यूज मी। वाह, ये तो कमाल ही हो गया मम्मी जी, मतलब सारे काम हम लोगों को समझा कर चली गई, तो महारानी खुद क्या करने वाली है? आराम करेगी और क्या। अरे हमारे घर की पार्टी है और हमें सारा काम करना है। अरे तो ठीक है ना, तू काम करेगी तो फिर तुझे भूख लगेगी, शाम को पार्टी में इतने सारे तरह तरह के खाने होंगे, फिर तू तभी तो खा पाएगी ना जब तेरे को भूख होगी। हाँ ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं क्या करूँगी ना कि मैं दिन का खाना भी नहीं खाऊंगी तो अच्छे से भूख लगेगी। तू ऐसा कर, सब कुछ खा लेना, पर एक बात का ध्यान रखना, वो शाम को जो मेहमान आने वाले हैं ना पार्टी में, उनके लिए खाना बच जाए बस। आपको क्या लगता है मैं इतनी भूख करूं कि सारा खाना खा जाऊंगी? नहीं नहीं, तेरे को देख के कौन कह सकता है, मैं क्या, कोई भी नहीं कह सकता कि तू ज्यादा खाती होगी। तो पापा मैं निकल रहा हूँ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, दूसरा थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी खत्म होने से पहले आ जाऊं। पार्टी तक आ जाना। हाँ राज, ऐसा क्या जरूरी काम है? घर में पार्टी है तो एक दिन काम नहीं करोगे तो चल जाएगा ना?
कितनी बार बोला है मैंने कि जब मैं बाहर जाया करूँ काम के लिए तो मुझे टोका मत किया कर। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? नहीं वो मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि आलिया ने बताया ना कि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो आप भी होते घर के बड़े बेटे हो तो अच्छा होता ना। अभी है घर में तो वैसे भी कोई मुझे पूछने वाला है, ठीक है? तो फालतू बातें करके मेरा टाइम खराब मत करो। मेरी मर्जी होगी मैं आऊंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी नहीं आऊंगा। अरे हाथ छोड़ी ना, मैं आ तो रही हूँ। एक कछुए की तरह चल रही हो, हाथ छोड़ दिया तो कल तक पहुंचोगी तुम। एक मिनट, ये आप दादी के कमरे, मेरा मतलब है आपके दादी के कमरे में क्यों लेकर जा रहे? कुछ काम है। चलो यहाँ क्या काम? बस तुम्हें अंदर जाना है और दादी को ये बोलना है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो सेक्रेटरी हूँ ना, आपकी रिश्तेदार थोड़ी हूँ। अरे सेक्रेटरी हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, इसलिए तो तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ। चल। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बोल चिल्ला क्यों रही हो तुम, दादी बाहर आ जाएगी ना। मैं ये काम नहीं कर सकती, ये आपका फैमिली मैटर है ना और मैं फैमिली नहीं हूँ तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती हो, बॉस ऑर्डर दे रहा है तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे कल को ऑर्डर करेंगे किसी से शादी कर लो, मैं कर लूंगी क्या? पागल हो गई हो, ये सब थोड़ी ना बोलूंगा। अरे तुम इतनी अच्छी सेक्रेटरी हो, अगर तुमने किसी से शादी कर ली तो तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा तो तुम मेरे घर कैसे आओगी? ये सब जो भी है मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं करती। ए, ऑर्डर दे रहा हूं मैं। आप कौन तेज बोल रहा है? तुम ज्यादा भाव खा रही हो। आपने भाव बढ़ाए, हमेशा बोलते रहते तुम ऐसी हो वैसी हो, पता नहीं कैसी कैसी। अगर मैंने भाव बढ़ाया तो भाव उतार भी सकता हूँ मैं। उतार दीजिए लेकिन मैं नहीं जाऊँ। नहीं जाओगी? नहीं जाऊ। नहीं जाऊ। नहीं जाऊ। नहीं जाओगी? नहीं जाऊ। नहीं जाओ। नहीं जाओ। मेरा पापा भी जाएगा। नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है और किससे पूछकर अंदर आई है? किसी ने बुलाया तुझे? नहीं दादी, दरअसल मुझे आपको कुछ बताना था। पर मुझे कुछ नहीं सुना। दीदी एक मिनट रुको, अब वो आ ही गई है ना, तो उसे सुन भी लो, ठीक है ना? ओ भाई जल्दी से बता तुझे क्या बोलना है इन्हें, जल्दी बोल। एक जरूरी बात है आपके पोते के बारे में। वो दादी पहले ही मुझसे नाराज है, कैसे समझाऊं इन्हें? अगर तू अभी के बारे में कुछ बोलने आई है ना, पार्टी में जो हुआ अगर उसके बारे में बात करनी है ना, तो तू वापस चली जा क्योंकि हमें सब पता है। हम इन बातों को नहीं मानते, हमें अभी पर पूरा भरोसा है। नहीं दादी वो बात नहीं है, वो एक्चुअली इन्होंने फैसला लिया है जिसके बारे में बात करना चाहती थी। जो बताना है बताना, सोच क्यों रही है इतना? पहेलियां मत बुझा, जो कुछ बोल रहे हैं ना साफ साफ बोल और जल्दी बोल जरा। दादी एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद नाराज होना हो जाएगा। उन्होंने जो फैसला किया ना, अपने और पूरे परिवार की भलाई के लिए किया है। अब तो बताएगी या मैं खुद उसके पास जाके पूछ लूं जाके? दादी उन्होंने उन्होंने तनु को शादी के लिए प्रपोज किया है। तनु ने हाँ कह दी और आज इस घर में एक पार्टी रखी गई है ताकि वो पूरी मीडिया को ये बात बता सके। प्रज्ञा की तू क्या बोल रही है, अभी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अगर ऐसा उसने किया भी है ना तो वो खुद मुझे आके बताता, तुझे नहीं भेजता बताने के लिए। अरे यार यह हवा हवाई सारी बात बिगाड़ ना दे। मैं नहीं मानती इस बात को, मुझसे पूछे बगैर ऐसा करेगा ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानूंगी। अभी ये मैं क्या सुन रही हूँ, तूने तनु को शादी के लिए प्रपोज किया मुझे बताए बगैर, उसे पूछे बगैर और फिर खुद बताने नहीं आया, इसे क्यों भेज दिया? हाँ दादी ये सच है और वो मैंने इसे इसलिए भेजा क्योंकि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है ना दादी, तो
मैं देखना चाह रहा था कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मेरे पर्सनल काम करने में कितनी एफिशिएंट है। ओए तो छोड़ इन बातों को, ये बता कि ये लड़की सच बोल रही है कि झूठ। ये सच है। अभी अब शादी की तुझे इतनी जल्दी क्या थी? चल तूने प्रपोज कर दिया तो कर दिया, ये मीडिया न्यूज ये सब क्या करना है तुझे? हाँ, और फिर तूने हमें भी नहीं बताया। अच्छा चल, तूने मुझे नहीं बताया ना सही, कम से कम दीदी से तो सलाह कर लेता। दासी, दादी मुझे पता है ये बात आप लोगों को अजीब लग रही है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर रास्ता होता तो मीडिया क्या, मैं तो तनु को प्रपोज तक नहीं करता। पार्टी में जो हुआ उसका असर मेरे परिवार पर पड़ता, लोग तो दादी से सवाल करते, उनकी परवरिश पर उंगली उठाते, और मैं वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोग तो यही कहते ना कि घर में बेटी होकर मैं दूसरों की बेटी पर बुरी नजर डाल रहा हूँ। मेरी हरकतों की वजह से अगर मेरा नाम खराब हुआ तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी हरकतों की वजह से मेरे परिवार पर असर पड़ता है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादी, दासी, पार्टी में जो हुआ उसे सुधारने का यही एक रास्ता था, जिससे ना तनु का नाम खराब होगा ना मेरा। और ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तनु क्या जवाब देने वाली है। मैंने सोचा एक बार मैं तनु को प्रपोज कर दूंगा, उसके बाद आप लोगों को आकर सब कुछ बता दूंगा। ए दादी, दादी आप ही बताइए ना, जब मैंने ये सब कुछ अपने परिवार के लिए किया तो क्या मैं जानबूझकर आपको हर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? दादी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? थैंक्स दादी, आपका जो मुझ पर भरोसा है ना, मैं कभी उसे टूटने नहीं दूंगा। और वैसे आप ही कहा करती है ना कि अभी शादी कर ले, तो मैं शादी करने जा रहा हूं। बस वो लड़की आपके पसंद की नहीं है, पर इतनी बुरी भी नहीं है वो। दादी, क्या मैं आपकी माफी पक्की समझूं? थैंक यू दादी, मैं चलता हूं, और तुम चलो कुछ बातें करनी, आ जाओ। सुन, ये सब क्या तेरे सामने हुआ था? तो रोका क्यों नहीं? मतलब तू भी इस रिश्ते से खुश है? तो फिर मैं इनके सामने जा सकती हूँ, इनसे मिल सकती हूँ, मैं उसी से खुश हूँ दादी। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे मुझे इन्हें सच बताना पड़े, जिसके बारे में सोचकर ये अपने दिमाग पर जोर डाले और उनकी तबीयत खराब हो जाए। जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना दादी, तो खुद को किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। मैंने भी अपने कुमकुम को भाग्य पे छोड़ दिया और खुद को भगवान के सहारे। जो होगा सहट होंगी, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब इनकी सलामती ही मेरा फर्ज है और कुछ भी नहीं। दीदी, आप खामोश क्यों रही? आपने अभी को कुछ कहा क्यों नहीं? मैं चुप थी, पर मैं चुप बैठूंगी नहीं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। की खबर छपी, या तो आप मोबाइल पे लगे रहते हो या अखबार में बेफजूल की खबरें पढ़ते रहते हो। आपको कुछ भी पता है कि घर पे हो क्या रहा है? क्यों भाई, इस घर में क्या हुआ जो मुझे नहीं पता? क्यों, दुनिया भर की बातों पे तो ध्यान रहता है आपका? आपने ध्यान भी दिया है पीछी कि प्रज्ञा के साथ क्या हो रहा है? क्या हो गया प्रज्ञा को? अच्छी भली तो है, दफ्तर भी गई है,
माना थोड़ा लेट गई है तो फिर क्या हो गया? अब उसके लेट जाने से भी तुझे प्रॉब्लम है? नहीं बीजी, मुझे उसके लेट जाने से कोई टेंशन नहीं हो रही है। कल रात को जब वो ऑफिस से आई तो कितनी खुश थी, इतना ज्यादा खुश तो मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। और फिर सुबह एकदम सी उदास बैठी हुई थी। जब मैंने पूछा कि ऑफिस क्यों नहीं जा रही तो कहने लगी कि बॉस बाहर गया है इसलिए कहा है कि तू भी आज मत आना, और फिर एकदम से तैयार होकर ऑफिस चल पड़ी। बीजी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस लड़की की जिंदगी में हो क्या रहा है। वो कुछ बताना नहीं चाह रही, कुछ छुपा रही है, या मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ अजीब सा हो रहा है बीजी, आपको नहीं दिख रहा? ओए सरला, छोड़ ये बातें, प्रज्ञा ठीक हो जाएगी। चल यहाँ से कहीं बाहर घूमने चल। और मैंने सुना एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर लगी कोई औरतों के अधिकार पे, चल हम देख के आते। बीजी मैं आपसे इतनी जरूरी बात कर रही हूँ और आपको पिक्चर देखने की पड़ी है, वो भी औरतों के अधिकार पर। आपको पता है ना मुझे पिक्चर देखना जरा भी पसंद नहीं। पूरा आएगा ना उसके साथ जाके फिल्म देखाना। ले पूरब तो आज ही आने वाला था, पर मैं उसे फोन करके पता करती हूँ कब तक आ रहा है। अरे क्या जरूरत है फोन करने की, एयरपोर्ट से सीधा ही तो वो घर आएगा हाजिरी लगाने। हाजिरी लगाने क्यों नहीं आएगा, इतना प्यार जो हम करते हैं उससे और वो हमसे, तो आएगा ही ना। हाँ प्यार व्यार भी है लेकिन आएगा वो तेरे हाथ की चाय पीने और इस घर का खाना खाने। हाँ बीजी उसके लिए भी तो चाय और खाना मैं इतने प्यार से ही बनाती हूँ। इतने लोगों को फोन करना है और वक्त इतना कम। ये वापस आ गई, मुझे तो लगा घर बैठे आंसू बहा रही होगी, पर ये तो चलो अब आ ही गई है तो मैं ही रुला देती हूँ। जी थैंक यू। ओह सो यू आर बैक। अच्छा है, वैसे तुम्हें भाई की न्यूज तो मिली होगी राइट? कौन सी न्यूज, जो तुमने न्यूज़पेपर में छपवाई थी या धोखे से उनसे तनु को प्रपोज करवाया था वो? कौन से धोखे की बात कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ भाई ने ही किया। पहले जो उस रात पार्टी में हुआ वो भी उन्होंने किया, अब तनु के साथ की हुई गलती को सुधारने की कोशिश भी उन्होंने ही की। उनकी हर कोशिश के पीछे आजकल तुम्हारी ही कोई साजिश होती है आलिया। ये बात वो नहीं जानते लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और मैं ये भी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो होश में या बेहोशी में क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरे सामने ये ड्रामा ना ही करो तो बेहतर होगा। और हाँ, ये जो तुम और तनु मेरे इनके साथ इनके आसपास रहने से घबराने लगी हो ना, इसी घबराहट में आकर तुमने ये घटिया चाल चली, और मुझे शक उसी दिन हो गया था जब तुम मुझे उस पार्टी में आने से रोक रहे थे, और कल जिस तरीके से तुमने मेरे हाथ से वो न्यूज़पेपर छीन लिया। तुम लाख छुपाने की कोशिश करो आलिया, तुम्हारी आंखें बताती कि तुम कितनी ज्यादा इनसिक्योर हो मुझसे। शट अप, अपना मुंह बंद रखो। मेरा मुंह बंद है इसलिए तुम बोल पा रही। जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारी पोल तुम्हारे भाई के सामने खुल जाए, उन्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं इनकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया, सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया है जिनके सामने तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं। कुछ बोलने की कोशिश भी मत करना आलिया, क्योंकि कुछ भी बोल के तुम सिर्फ अपना ही मन बहला रही हो, और आई एम अफ्रेड तुम्हारे पास मन बहलाने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो इनकी यादाश्त वापस आ ही जाएगी ना, और तब तुम्हारी और तुम्हारी उस बेस्ट फ्रेंड की खबर किस न्यूज़पेपर में छपेगी ये तो सोच लो। इन शॉर्ट मुझे तो लगता है तुम्हें अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेना चाहिए। थिंक अबाउट इट। इतना कुछ होने के बाद भी इसकी अक्कड़ नहीं गई, ये आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है ये तो पता था, पर इसे ये नहीं पता कि वो दिन आने से पहले मैं इसे कैसे कैसे दिन दिखाने वाली हूँ। ऐसी चोट दूंगी कि अकड़ के खड़े होना तो दूर, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी, और इसकी शुरुआत आज रात की पार्टी से ही होगी। सर कहाँ हैं आप? मैं यहाँ चेंजिंग रूम में। ठीक है सर, मैं बाद में आती हूँ, बाहर वेट करती हूँ आपका। अरे नहीं रुको, ये पहनने वाले हैं पार्टी में?
चुप मारियो। नहीं सवाल। क्या लगता है तुम्हें मैं ये पहनूंगा? क्या पता, पहन भी सकते ना, रॉकस्टार है, जो पहनेंगे फैशन बन जाएगा। फैशन के लिए नहीं, मजबूरी के लिए पहन रहा हूं। जो ये पैंट पहनिए, पर ये फिट ही नहीं हो रही है ना। दूसरी पैंट पहन लीजिए। मुझे मुझे यही पैंट पहननी है। क्यों, इस पैंट में ऐसा क्या खास है? तुम नहीं समझोगे, इस पैंट के साथ ना इमोशनल अटैचमेंट है, तुम मुड़ सकती हो। पैंट के साथ इमोशनल अटैचमेंट? ये कोई शादी की पैंट है क्या? जब शादी नहीं हुई तो शादी की पैंट कैसे पहनूंगा? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रही थी, इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? मैं वैसे ही लगना चाहता हूँ जैसे मैं 2 साल पहले लगता था। वैसे ही तो लग रहे। तुम्हें किस पता, हम तो अभी भी मिले। हाँ हम अभी मिले, लेकिन मैं तो देख रही हूँ ना आपको स्टेज पे, मैगजीन में, वैसे ही देख रहे हैं आप। मैं मोटा हो गया। कुछ मोटे वोटे नहीं हुए, बिल्कुल वैसे। आप ऐसा कीजिए, ऐसी वाली दूसरी पैंट पहन लीजिए। मेरे पास ऐसी वाली दूसरी पैंट नहीं है। अरे है। अरे नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ ना है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है। अरे आप हमेशा एक ही पैंट 2 साइज में बनाते हैं ना, तो होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया।